सुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाण मिनमो सुद केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत शक्तिया उल्लसित यद्यपि आत्म राम ज्ञान मात्र के ज्ञान को सैतालीस बखान। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम की आत्मख्याति टीका लिखते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव परिशिष्ट में जिस आत्मा की ख्याति प्रसिद्धि वे पूरे समय सार की टीका में करते हुए आए हैं, उसी आत्मा में लक्षण की दृष्टि से जो ज्ञान मात्र है, लेकिन ज्ञान मात्र ऐसे अनुभव करने वालों को आत्मा का अनुभव अकेला ज्ञान मात्र रूप से नहीं होता है, बल्कि सहज ही अनंत शक्तियाँ उल्लसित होती हैं। चूँकि आत्मा अनंत शक्ति वाला है, उसी आत्मा का जिन्हें भान नहीं है, पूरे ग्रंथ में तर्क से, युक्ति से, दृष्टांतों से उसका स्वरूप स्पष्ट करने के बाद भी कदाचित उस आत्मा की महिमा नहीं आ पाती है, तो उनके लिए जैसे लोक में कहा जाता है ना, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भय कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। दादा का जो कहानी संग्रह है ना, आप कुछ भी कहो, पहले कुछ कम कहानियों के साथ छोटा सा छपा था पहले, और उसका जो नाम दिया था वो गांठ खोल देखी नहीं, ये नाम दिया था पहले, उसमें वो कहानी थी। उसमें भी इसी बात की सिद्धि की गई एक तरह से, सब आत्माएं अनंत शक्ति अनंत गुणों से संपन्न है, परंतु उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि गांठ खोल देखी नहीं कि हमारे अंतरंग में वह शक्तियां है कैसी, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये देखा नहीं, समझा नहीं। तो एक तरह से इसी के लिए ज्ञान मात्र के ज्ञान को सैतालीस बखान, इन 47 शक्तियों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से 5 शक्तियों की चर्चा हुई। पाठ करते हैं एक बार 5 शक्तियों का, उतना भाव ख्याल में लेते हुए। आत्मद्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति, अजडत्वात्मिका चिति शक्ति, अनाकार उपयोगमयी दृशी शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। जिस आत्मा को जानना, प्रसिद्ध करना हमारा प्रयोजन है, उद्देश्य है,
पहले उसका स्वरूप स्पष्ट करने वाली लक्षणात्मक शक्तियों की चर्चा की और उसके बाद प्रयोजन, जानने का प्रयोजन क्या, तो जानने का प्रयोजन सुख है, इसलिए उस सुख शक्ति की चर्चा की। सुख कहते ही हमारा ध्यान कहाँ जाता है, ये बड़ा सुखी है, कहाँ ध्यान जाता है? निश्चित रूप से हमारा ध्यान सब प्रकार की अनुकूलताएं हो, लोक में अनुकूलताओं के लिए सामान्य रूप से रोटी कपड़ा मकान और इनकी अच्छी प्रचुरता हो, उतना होना मात्र को सुखी नहीं कहा जाते, तो आवश्यकताओं की पूर्ति है। परंतु अब इससे बढ़ कर के थोड़े ठाट बाँट हो, गाड़ी हो, बंगला हो, धन संपत्ति, वैभव हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छा जिस जिसको भी आजकल के हिसाब से कहो तो जिसके हाथ में स्मार्ट क्या हो, कौन सा फ़ोन, स्मार्टफोन हो, तो स्मार्टफोन से आगे और बढ़ गया हो तो पता नहीं, अब वो तो, और जिसके नहीं है वो अपने आप को दुखी समझता है और हो जाए तो अपने आप को, और दूसरा भी समझने लगता है ये कितना सुख। मैंने बाहर के संयोगों से या उनकी अनुकूलता से सुखी ऐसा समझते हैं, परंतु कम से कम आत्मा की शक्तियों की यदि बात कर रहे हैं, आत्मा की शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो वह अनुकूलता भी आत्मा के लिए होनी चाहिए, आत्मा की होनी चाहिए और उससे उस सुख की पहचान होनी चाहिए। हम भी जैसे भावना भाते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभीण घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए। जब हम ये भावना भा रहे हैं उस समय सुखी कहने का मतलब क्या, क्यों भैया क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, सुख की बात चल रही है और तुम दुखी हो रहे हो। बहुत प्रसिद्ध श्लोक चलता है ना, सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे संतु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा। अब वहाँ क्या भावना रही होगी उनकी, सुखी समझने की क्या भावना रही होगी। शांति पाठ में भी हम भावना भाते हैं, दादा ने भी लिखा तो उन्होंने, शांति पाठ है ना, तो शांति की प्राप्ति मुख्य रूप से, और वह तो आत्मा का परिणाम है, आत्मा का भाव है, तो आत्मा के लक्ष्य से आत्मा में प्रकट होता है। हम दूसरे से कल्पना करते हैं तो ये बिल्कुल आगम विरुद्ध है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है, और वस्तु स्वरूप के विरुद्ध जाएंगे तो शांति प्रकट होगी कैसे, ये तो उल्टी विपरीत बात हो गई। उस सब की चर्चा करने के बाद फिर अंत में ये भी कह दिया, फिर भी ये चाहते हैं कि व्यवहार से सब प्रकार की अनुकूलता हो, सब जगह सब बराबर सुखी रहे, वो सुख का आर पार न हो, वो भावना भी साथ में भाई गई, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया व्यवहार से। ये सब लोक व्यवहार की अपेक्षा से कहा जाता है, लेकिन हमारे चित्त में यदि वही बात बैठती है तो इसका मतलब हमने सही स्वरूप नहीं समझा है। जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, किस भाव से होता है, किन्हें होता है, कौन से परिणाम से होता है, 16 कारण भावना ठीक है, 16 कारण भावनाओं के रूप में कहते हैं, लेकिन एक बात में कहे, एक वाक्य में कहे तो क्या कहा जाता है, जगत के सब जीव सुखी हो, सारे जीव सुखी होवे, ऐसा भाव जिनके अंदर आता है, प्रबल भावना जिनके अंदर होती है, और वो बाकी के भाव तो सब होते ही हैं, और सबसे अंतिम जो है वो वात्सल्य की भावना जो कही गई, पर सारे जगत के जीव सुखी हो, तीर्थंकर प्रकृति सम्यक दृष्टियों को बनती, मिथ्या दृष्टियों को,
धर्मेंद्र चक्र महिमा नमेयमानम, राजेंद्र चक्र, देवेंद्र चक्र, ये सारे किन को मिलते हैं? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टियों को तो मिलते ही नहीं। जो ऐसी भावना भा रहे हैं जिससे तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, ऐसे सम्यक दृष्टि सारे जगत के जीव सुखी हो ऐसी भावना भा रहे हो, तो उनमें उस सुख का क्या परिणाम होगा? क्या मैंने क्या भावना भा रहे हो, कैसे सुखी हो कि सबको ठाट बाट मिले, सब तरह की अनुकूलता मिले इतनी सी? क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से निर्णय हो गया है ये सुख है ही नहीं, ये वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख का निर्णय उन्हें हुआ है और उसका एक अंश उन्होंने प्रकट कर लिया है। अब वो चाहते हैं, वो देखते हैं कि सारे जगत के जीव भी स्वभाव से ऐसे सुखी हैं और फिर भी दुख उठा रहे हैं, तो वे भी अपने उस स्वभाव का लक्ष्य करके, आश्रय करके ऐसे सुखी क्यों ना हो, वो मार्ग उन्हें क्यों ना मिले। और हो सकता है अभी मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, इन मेरी सामर्थ्य होगी तो मैं सारे जगत के जीव सुखी हो, ऐसा क्या प्रयास, मैंने क्या उपदेश ही देने की बात है ना, तो उनके उस सुख में ये निश्चित रूप से ये भाव रहता है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिण ताते शिव मग लाभ्यो। परिपूर्ण सुख, परिपूर्ण सुखी कौन है? सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान सुखी है, बहुत सुख है सिद्ध दशा में, मुक्त दशा में, मोक्ष दशा में। कैसा सुख होगा बताओ, कैसा होगा सुख? अरे क्या, यहाँ चक्रवर्ती उससे भी बढ़ करके, वो चक्रवर्ती से बढ़ करके इंद्रों का, देवों का सुख होता होगा, और देवों से भी बढ़ करके, आप कितने गुना करना है कर लो, देवों से भी अनंत गुना सुख मुक्ति में है, मोक्ष में है। यदि इस तरह हम यदि वहाँ सुख समझ रहे हो तो सही समझ रहे कि भूल कर रहे हैं, और भूल कर रहे तो कौन सी भूल कर रहे हैं? मोक्ष तत्व की भूल कर रहे हैं ना, टोडरमल जी ने लिखा ना, मोक्ष तत्व की भूल कर रहे हैं, माने वह स्वर्ग से बढ़कर के भी वहाँ सुख है यदि ऐसी कल्पना कर रहे, ऐसा समझ रहे हैं। चूँकि स्वर्ग में इंद्रिय सुख है, वह अनुकूलता है और उसकी अनंत गुणा, और वह जो इंद्रिय सुख है वह तो आकुलता में है, दुख है, और उसका अनंत गुणा हम कर रहे हैं, तो उसी का अनंत गुणा तो इंद्रिय सुख का अनंत गुणा होगा, बहुत होगा, और वहाँ न इंद्रियां है न इंद्रिय सुख है। इसलिए यथार्थ निर्णय अपने आप में भी होना चाहिए और दूसरों के लिए भी कदाचित भावना भाए। वह सम्यक दृष्टि को जो साधर्मी वात्सल्य होता है ना, निश्चय से स्थिति करण उपगुहन, वो जितनी भावनाएं उनकी है वो वास्तव में वो आत्माश्रित परिणति में लगे, यथार्थ में लगे, ये अंदर से भावना होती है, बाकी बाहर व्यवहार से जो दिखता है वो भी आता है। ज्ञानियों के जीवन में भी, सम्यक दृष्टियों के जीवन में भी वह सहज आता है। ये अनाकुलत्व लक्षणा, वह अनाकुल लक्षणपना वह दिखाई देना चाहिए, वह हमारे अच्छी तरह से ख्याल में आना चाहिए। सुख स्वभाव है, स्वभाव में सुख है, और उसका लक्ष्य करने पर निश्चित रूप से वह प्रकट होता है। गुरुदेव अनेकों बार ये बात कहते हैं, प्राप्त की प्राप्ति होती है, प्राप्त की माने जहाँ जो हो तो वहाँ से प्राप्त होगा, नहीं हो तो प्राप्त कैसे होगा? आत्मा सुख स्वभावी है, इसलिए उसका लक्ष्य, उसका आश्रय करने पर निश्चित रूप से सुख प्रकट होता ही है। बेन श्री के वचनामृत में ऐसा लिखा है, वो तो आत्मा के अनुभव की दृष्टि से लिखा उन्होंने,
हमारी वृत्ति, हमारी परिणति स्वसन्मुख हो और आत्मा प्राप्त न हो, या हम कहे वृत्ति परिणति स्वसन्मुख हो और अनाकुल सुख प्रकट न हो, 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। 14 ब्रह्मांड मतलब एक ही तो ब्रह्मांड है ना, वो 14 राजू तुंग नब लोक पुरुष संठान के, इसलिए 14 ब्रह्मांड का शून्य होना पड़ेगा क्या? ये वस्तु स्वरूप है और वस्तु स्वरूप के विरुद्ध बात हो रही है, इसका मतलब ऐसा है नहीं। तो ऐसा है नहीं इसका मतलब जीव ऐसा नहीं है, माने जीव द्रव्य नहीं है। तो एक द्रव्य नष्ट हुआ तो सारे ही द्रव्य नष्ट हो जाएंगे ना, माने ये वस्तु स्थिति है। और जिनसे हम सुख की कल्पना करते हैं, सुख मानकर जिनकी तरफ देखते हैं, वहाँ सुख है ही नहीं। जिन परद्रव्यों में, पांच इंद्रिय विषयों में सुख की कल्पना से एक तो आकुलता जन्य है और है नहीं ना वहाँ, क्योंकि उनका धर्म नहीं है, उनका गुण नहीं है, उनमें सुख नाम का गुण नहीं है। आत्मा में सुख नाम का गुण है, सुख नाम की शक्ति है, इसलिए उसके आश्रय से निश्चित रूप से प्रकट होती है। साध्य सुख है तो साधन भी सुख रूप होगा, दुख रूप नहीं होगा। तो साध्य सुख है तो उसका लक्ष्य करने वाली परिणति तीव्र कषाय वाली तो हो ही नहीं सकती है, और साथ में मंद कषाय वाली भी नहीं हो सकती है, रागात्मक भी नहीं हो सकती है, क्योंकि राग अपने आप में आकुलता है, राग अपने आप में दुख रूप है। तो जो रागात्मक परिणाम स्वयं दुख रूप होगा, उससे वो सुख की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए शुभ राग वो क्रिया कारण तो जड़ है, तो जड़ से तो सुख की प्राप्ति होने का प्रश्न नहीं है, लेकिन शुभ भाव, शुभ क्रिया, शुभ राग, शुभ क्रिया तो जड़ में चली गई, शुभ भाव या शुभ राग वो राग का परिणाम है, व्याकुलता का परिणाम है, उससे भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए शुभाशुभ राग से परे होकर सहज वीतराग, वो वीतराग परिणति, वो वीतरागता में ही सहज निराकुलता है और वो वही स्वभाव है। या अनाकुल कहा, वैसे निराकुल की अनाकुल मूल स्वभाव है ना, इसलिए अनाकुल करें, आकुलता से रहित स्वभाव है। सिद्ध भगवान को प्रकट हुआ निराकुल सुख है, और आत्मा का स्वभाव सुख है वह अनाकुल सुख है। ऐसे ही अराग स्वभाव है, अब अरागी स्वभाव का सहज लक्ष्य करते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र से लक्ष्य करते हैं बिना राग के, तब वह सहज ही वीतरागता प्रकट होती है और अनाकुल लक्षण वाला सुख उसमें प्रकट होता है। स्वभाव में है, द्रव्य स्वभाव में है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र से लक्ष्य करने पर पर्याय में भी वह उछलने लगता है। कैसे उछलेगा, क्यों उछलेगा? क्योंकि उसके लिए हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है। अब वो कौन सी शक्ति है, वो अगली शक्ति बताते हैं। छठवीं शक्ति है वीर्य शक्ति। क्या है वीर्य शक्ति? स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति। स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य, स्वरूप निर्वर्तन जो क्या, निर्वर्तन निवृत्ति और निर्वृत्ति, इतने में फर्क है। निवृत्त होना वो रिटायरमेंट के लिए आएगा, और निर्वृत्ति ये निर्माण के अर्थ में। तो स्वरूप निर्वर्तन, स्वरूप की यहाँ रचना शब्द दे रहे हैं, स्वरूप की रचना का सामर्थ्य जिसमें है, समूर्त स्वरूप की रचना के सामर्थ्य रूप ऐसी वीर्य शक्ति है। बाकी में लक्षण शब्द दे रहे हैं ना, हरेक नहीं, लक्षण हरेक में नहीं लगा रहे हैं, दो में, पहले में आया और सुख में आया, ठीक है ना, बाकी में जरूरी नहीं है। मैं लक्षण शब्द सब में दे रहे हो ऐसा नहीं है, क्योंकि सुख को कैसे पहचाने, कैसे जाने, अनाकुलता से, ऐसे अनाकुलता उसका लक्षण है। और वीर्य शक्ति को कार्य से ले रहे हैं, वीर्य शक्ति क्या है,
कि स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा, स्वरूप की रचना करने का सामर्थ्य उसका नाम वीर्य शक्ति। दो बातों की तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित कराया है। पहली बात, जो लौकिक में वीर्य कहा जाता है उस वीर्य की चर्चा यहाँ नहीं है, उस वीर्य को यहाँ शक्ति के रूप में नहीं लिया है। और दूसरा, जो शारीरिक बल के रूप में अरहंत भगवान के कितने गुण होते हैं, अरहंत भगवान के कितने गुण होते हैं, 46 गुण कहे जाते हैं ना, कहवत के गुण 46, कहवत के वास्तव में कौन कितने होते हैं, 4, उनकी भी चर्चा आएगी अभी वीर शक्ति के साथ में। वे जो 46 कहे जाते हैं उनमें सबसे पहले कौन से होते हैं, अरे सबसे पहले कौन से होते हैं, जन्म के 10 अतिशय, जन्म के 10 अतिशय होते हैं ना, और जन्म के 10 अतिशयों में सबसे पहला क्या होता है, वो सबसे पहला होता है अतुल्य बल, अतुल्य बल। फिर सर्वांग सुंदर रूप है, फिर सुगंधित शरीर है, ऐसे 10 तरह के अतिशय जन्मतः वो तीर्थंकर केवली की मुख्यता से हैं। वहाँ जो अतुल्य बल प्रकट हुआ है, अतुल्य बल कैसा अतुल्य बल है, कहते हैं ना वो आदिनाथ भगवान तो कितने 500 धनुष के थे, और धीरे धीरे घटते घटते भगवान महावीर तक आए तब कितनी रह गई, 7 हाथ, इतनी सी अवगाहना रह गई। अब इतनी सी अवगाहना वाले भगवान महावीर जन्म हुआ और जन्मते ही ऐसे बालक को सुमेरु पर्वत पर ले गए और 1008 कलशों से अभिषेक कर रहे हैं, और वो उसकी कितने गहराई वाले हैं, कितने चौड़ाई वाले हैं, कितने ऊंचाई वाले हैं, उसका बहुत लंबा एक एक कलश का बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। ऐसे 1008 कलश, और वो 1008 कलश अपन तो लाइन लगा करके एक 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 नंबर से एक फिर दूसरा फिर क्रमशः, लेकिन वहाँ 1008 कलश एक साथ ढुलते हैं, एक साथ 1008 कलश, तो कितना जल होगा, तो एक साथ उनके ऊपर ढारा जा रहा है। ओ अभी अभी जन्मा हुआ बालक कैसे सहन कर पा रहा होगा, सहन हो रहा होगा, कौन से उसमें भूल रहा हूँ, किसी में शंका हुई, किसी को सौधर्मिंद्र को ही समझ लो शंका हुई कि इतना बालक सहन कर लेगा, तो कहते थोड़ा सा अंगूठा हिलाया और अंगूठा हिलाया कहले सुमेरु पर्वत हिलने लगा, कहले सुमेरु पर्वत कैसे हिल रहा है, ये कल्पना है सभी, कोई हिलता नहीं है, तो कैसे तेरे वो अंगूठा थोड़ा सा हिलाया उससे, अरे कहने का मतलब उनमें इतना बल है, अतुल्य बल है, लेकिन वो जो बल है वो शारीरिक बल की बात है, वो अतुल्य बल की इतनी बात है, वो शारीरिक बल की बात है, वह भी यहाँ वीर्य में शामिल नहीं है। परंतु गुरुदेव ही इसे इसी बात को पहला जो वीर्य का निषेध किया ना उसको उदाहरण बनाते हुए इस रूप में भी कहते हैं, लोक में वीर्य जिसमें वीर्यवान है वह पौरुष पुरुषार्थ पुरुष होता है और वह संतान उत्पन्न करने में निमित्त होता है, जिसमें वीर्य हो वह संतति में संतान उत्पन्न करने में समर्थ होता है और उस वीर्य से उसी के जैसी संतति उत्पन्न होती है, तो जैसे वीर्य से वैसी संतान उत्पन्न होती है ऐसी ही आत्मा में भी एक वीर्य शक्ति है, जैसा स्वभाव है वैसी रचना हूँ, जैसा स्वभाव है वैसा ही पर्याय में प्रकट हो सके ऐसी उसमें सामर्थ्य है। तो स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा, क्या स्वरूप है हमारा, क्या स्वरूप है,
हम जीव है, जीव तो है, स्वरूप क्या है? चिति शक्ति, दृशि शक्ति, ज्ञान शक्ति, अभी और शक्तियाँ भी कहने वाले हैं, लेकिन ऐसा स्वरूप है, इसकी रचना किसने की? ऐसा स्वरूप है तो ये इस स्वरूप की रचना ये वीर्य शक्ति, और यह स्वरूप ऐसा ही बना रहे बराबर, माने अपना कार्य अपने में हो सके, अपना स्वरूप ऐसा क्या ऐसा प्रकट हो सके, इसकी शक्ति इसकी सामर्थ्य हम में है, कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। जानना देखना, जानने देखने का कार्य कब से करते आ रहे हैं, कब तक करते रहेंगे, थक गए होंगे, थक जाएंगे, धीरे धीरे शक्ति कम होती जाएगी ना, के लिए नहीं, निरंतर, क्यों? उसके साथ में वीर्य शक्ति बराबर लगी हुई है, इसलिए ये चलता रहेगा, सामर्थ्य इसके साथ में होने से ये बराबर चलता रहेगा, इस सामर्थ्य को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या कार्य करती वीर्य शक्ति? ज्ञान जानने का कार्य करता है, दर्शन दर्शनों पे अपना काम करता है, सारे गुण अपना अपना कार्य करते हैं, वीर्य क्या काम करता है? वीर्य क्या क्या काम है? दो जगह चर्चा आई इसमें, अनुशीलन में दिया दादा ने, और इसका उद्धरण भी दिया कि सर्वार्थ सिद्धि में जब मति ज्ञान का लक्षण दिया, और वो जो लक्षण दिया है वो सर्वोत्कृष्ट लक्षण है, क्यों? क्योंकि लोक में प्रसिद्ध है, प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम और धनंजय कवेर काव्यम रत्नत्रयमपश्चिमम। तो पूज्यपादस्य लक्षणम, पूज्यपाद सर्वार्थ सिद्धि की रचना करने वाले पूज्यपाद, उनका सर्वोत्कृष्ट लक्षण कहा जाता है। और वे मति ज्ञान का लक्षण क्या देते? मति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञानावरण के क्षोभशम से जो इंद्रिय और मन की सहायता से जानने का सामर्थ्य होता है, वो मति ज्ञानावरण के क्षोभशम से जो होता है उसका नाम मति ज्ञान। कहते ऐसा नहीं है, वो मति अकेला मति ज्ञानावरण उसमें कारण नहीं है, उसके साथ साथ वीर्यांतराय मति ज्ञानावरण क्षोभशम और फिर अंगोपांग लाभावस्तंबाद आत्मना स्पृश्यते अनैनिति स्पर्शनम, स्पर्शन स्पर्शन जनित मति ज्ञान के लिए लिखा, तो अंगोपांग भी लिया इंद्रिय और मन उसके साथ में जोड़ते हुए, लेकिन वीर्यांतराय का क्षोभशम भी उसके साथ जोड़ा है, आपके न्यायदीपिका में भी है, वीर्यांतराय क्षोभशम सहक बने साथ में, बने वो अकेला मति ज्ञानावरण के क्षोभशम से काम नहीं चलेगा, वीर्यांतराय का क्षोभशम भी चाहिए। इसका मतलब हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, अभी आँखों से देख रहे हो ना, अरे आँखों से देख रहे हो कि नहीं? आँखों से देख रहे हो, अपने ज्ञान से जान रहे हैं, और उस जानने में समझ लो क्षोभशम है अपना, तो मति ज्ञानावरण का क्षोभशम है, के लिए अकेला मति ज्ञानावरण का क्षोभशम होता तो नहीं जानते, उसके साथ साथ में वीर्यांतराय का क्षोभशम है तब वह जानने की सामर्थ्य आई है। तो ये वीर्यांत हरेक के साथ वीर्य काम करता है। अभी अपन प्रभुत्व, अगली शक्ति कौन सी आने वाली है? प्रभुत्व और विभुत्व आएगी ना, वह विभुत्व में बात आने वाली है कि सब में व्याप्ति है शक्ति। अब अपन ने प्रारंभ में चर्चा की है, एक शक्ति का रूप सब शक्तियों में होता है, तो वीर्य शक्ति का रूप सब शक्तियों में है, इसलिए वे सारे अपना अपना कार्य कर रहे, उन सबका अपना अपना कार्य करने का सामर्थ्य इस वीर्य शक्ति के कारण से है। दूसरा, टोडरमल जी जब अनंत भगवान के स्वरूप की बात करते हैं, तब अब अनंत चतुष्टय आएगी ना, वीर्य शक्ति आ गई, तो प्रारंभ में दर्शन दृशि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति और वीर्य शक्ति, तो अनंत चतुष्टय हो गए,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो प्रारंभ में ही जो अनंत भगवान के अनंत चतुष्टय होते हैं, उन अनंत चतुष्टय संबंधी भी शक्तियों की चर्चा एक तरह से यहाँ तक आ गई। तो वे चार घाती कर्मों का क्षय होकर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए और उसके बाद में अनंत ज्ञान से समस्त लोकालोक के जितने द्रव्य पदार्थ गुण पर्याय सहित उन सब को युगपत स्पष्ट जानते हैं और अनंत दर्शन से उन्हीं का सामान्य अवलोकन करते हैं और अनंत वीर्य से क्या करते हैं, एक ही शब्द लिखा, ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। ये अनंत वीर्य, वो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का जो सामर्थ्य है वह अनंत वीर्य धारण किए, माने अनंत वीर्य के कारण से है, माने उसका जानना इतना प्रकट होना वह अनंत वीर्य के कारण से है, वो सामर्थ्य उस अनंत वीर्य के कारण से उसमें आई है। ऐसे सुख, अनंत सुख, ये अनंत सुख की शक्ति, सुख को हम अनंत भगवान प्रति समय प्राप्त कर रहे हैं, तो ये उसकी सामर्थ्य, उसके साथ वो वीर्य की शक्ति लगी हुई है, वो वीर्य शक्ति है उसके साथ में। ज्ञान और दर्शन, वो उसके साथ जो ऐसी सामर्थ्य को धारण करते ना, बहुत सामर्थ्य चाहिए, जानने के लिए भी बहुत सामर्थ्य चाहिए, आसान नहीं है जानना। अभी आपके सामने कोई बहुत बीभत्स दृश्य दिखाए जाने लग जाए तो क्या होगा, देख सकते हो? अरे कभी गलती से उस रास्ते से गुजरना पड़े जहाँ पर मांस वगैरह बिकता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे रास्ते से जाना पड़े तो वो सब देखते तो कभी निगाह पड़ी होगी तो देखते तो होंगे ना, तो देखा जाता है, हम तो नीची गर्दन करके निकलते हैं, देखा नहीं जाता तो नहीं देखेंगे ना, बहुत मारकाट हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, नहीं देख पाओगे। और केवल ज्ञान हो गया तो फिर क्या होगा, सब कुछ दिखेगा ना, सब कुछ जानने में आएगा ना। अपना जब युवा फेडरेशन से साकार श्रावकाचार रथ चला था ना, तो उसमें एक सीडी कैसेट वो दिखाई जाती थी, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी, एक संस्था है, वो कैसे कैसे जानवरों पर अत्याचार करके सौंदर्य प्रसादन बनाए जाते हैं, वो उसमें पूरा दिखाया हुआ है। तो अभिनंदन जी और ये सब जाते थे ना, वो कहते थे वो हम जहाँ भी चलाते थे उसे कभी पूरा नहीं चला पाए, कि क्यों, थोड़ी देर चलाते और वही कैसे काट रहे, कैसे दिखा रही, दिखाते ना तो लोग कहते भैया बंद करो, भैया बंद करो, हमसे नहीं देखा जा रहा है। तो नहीं नहीं देखा जाता ना, अब सर्वज्ञता हो गई तब सब एक साथ दिख रहा है, और अभी हो रहा है वो तो दिख ही रहा है, पहले जो हो चुका भविष्य में होगा वो सब दिख रहा है, देखेंगे कि नहीं, कैसे देखेंगे? अभी जो विचलित हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं, ये मोह के कारण से, ये भी कमजोरी है, ये ना देख पाना, अधीर हो जाना, आकुल व्याकुल हो जाना, ये भी हमारी कमजोरी है। और जो पक्के हृदय वाला होता है उनको फर्क, कठोर हृदय वाला समझ लो, उसे फर्क नहीं पड़ता ना, वो प्रभावित नहीं होता है। तो प्रभावित न होना, भले ये भी एक धैर्य है, धीरता है, समय सार, जहाँ समय सारी तो चल रहा है, हर अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण किया तो ज्ञान को धीरोदात, धीर और उदार कहा ना, तो धीर है, सब कुछ जानकर, सारे लोकालोक को जान करके रंच मात्र आकुलित नहीं होता, ये उसकी धीरता है। तो ये धैर्य कहाँ से आया, ये सामर्थ्य कहाँ से आया, ये वीर्य शक्ति, ऐसे सामर्थ्य को धारण करते हैं, ये वीर्य शक्ति है। जैसा सब में रूप होता है ना, चिद्विलास ग्रंथ में वीर्य शक्ति के और भेद किए उन्होंने, वेदे द्रव्य वीर्य, गुण वीर्य, पर्याय वीर्य,
और उसके साथ साथ और विस्तार करते हुए द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य तो आ ही गया, क्षेत्र काल भाव ऐसा भी घटित किया, वो द्रव्य गुण पर्याय में आ जाता है वैसे तो, लेकिन वो द्रव्य वीर्य गुण वीर्य सबका वीर्य किस रूप में कहना चाहते हैं, इस स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा कह रहे हैं ना, तो द्रव्य की हमारी रचना हुई, हमारा द्रव्य है गुण पर्याय व द्रव्यम, गुणों का समूह रूप द्रव्य, तो द्रव्य की जो रचना हुई है किसने की, कोई है दूसरा करने वाला, और ऐसा अनादि अनंत ऐसा ही द्रव्य है, तो इसकी द्रव्य की जो संरचना है, तो ये संरचना अपने आप में स्वयं इस वीर्य शक्ति के कारण से, प्रत्येक गुण अपने अपने गुण रूप से हैं, अनादि अनंत त्रिकाल उस स्वरूप है, वो अपने अपने गुण स्वरूप से है, ये उसका अपना गुण वीर्य है। और पर्याय, तो पर्याय के लिए तो पर्याय अपने समय में प्रकट होती है, अपने काल में प्रकट होती है, वह अपने स्वयं की रचना करती है, ये उसका अपना वीर्य है, यानी उस वीर्य शक्ति का रूप उसमें है, उस पर्याय में भी वीर्य है। कितनी ताकत है उस एक समय की पर्याय में, जैसे क्रमबद्ध पर्याय में लिखा ना, द्रव्य पर्वत है तो पर्याय पार्वती है, द्रव्य अचल है तो पर्याय अचला है। पर्वत को अचल क्यों कहते हैं, क्यों हिला नहीं सकता ना, तो ऐसे ही कहते पर्याय भी अचला है, उसे कोई हिला नहीं सकता है, तो एक समय की पर्याय में कितनी सामर्थ्य है, वह उस क्षण प्रकट होगी ही होगी, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है, अपने समय में प्रकट होगी, कहाँ से ताकत आई, ये कहते वीर्य शक्ति है उसका, वो पर्याय का वीर्य है। फिर वह क्षेत्र और काल का वीर्य जो दिया है, काल का वीर्य भी यही है, काल का वीर्य प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही है स्वकाल में, ये काल वीर्य है। और क्षेत्र वीर्य असंख्यात प्रदेशी, आत्मा का क्षेत्र है, कश्मीर भारत का है कि पाकिस्तान का है, किसका है, बांग्लादेश किसका है, पाकिस्तान का है कि बांग्लादेश स्वतंत्र है, कहाँ है, किस, थोड़ा सा इसने जीत लिया थोड़ा सा उसने जीत लिया, ऐसे आत्मा पर भी आक्रमण करके थोड़ा बहुत प्रदेश कोई ले जाता तो असंख्यात प्रदेश ही रह पाता, या फिर आत्मा किसी का और जीत करके ले लेता तो, इसके असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र अनादि से लेकर अनंत काल तक ऐसा ही है, ये इसका क्षेत्र वीर्य है। भाव वीर्य में जो जो परिणाम, जो गुणों का परिणमन जो जिस रूप हो रहा है, वो उस रूप से होना, उस रूप से होता है, ये सारी सामर्थ्य अपने आप वस्तु में पड़ी हुई है, ये स्वयं की है, कहीं बाहर से आने वाली नहीं है। तो स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति, अपने आप में ऐसी वीर्य शक्ति है। स्वयंभू की गाथा आती ना प्रवचन सार में, स्वयंभू सब कुछ, और षटकारक भी आने वाले हैं आगे, वो षटकारक के रूप में लेते हैं, लेकिन उसके अंत में लिखा, जब अपना कार्य करने का सब कारक छह कारक अपने में हैं, तो फिर निमित्तों की खोज में व्यग्र क्यों होते हो, बाहर देखने की कहाँ जरूरत, कमजोरी हो तो दूसरे के सहायता लेनी पड़ती है, निश्चय से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, व्यवहार का आश्रय लेने की कहाँ जरूरत पड़ती है, व्यवहारन नयस्यात् यद्यपि प्राप्तव्याम ये निहित पदानाम हंत हस्तावलंबा, वो आवश्यकता नहीं है उसकी, लेकिन जब शुरुआत में है तो सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अभी आपका स्वयं का सामर्थ्य प्रकट नहीं हुआ, कमजोरी है ना, लेकिन स्वयं का कार्य स्वयं में करना है तो उसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, स्वयं का सामर्थ्य स्वयं में है, तो वीर्य शक्ति स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा, स्वरूप की रचना करने के लिए पूर्ण समर्थ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मुक्ति का मार्ग प्रकट करने के लिए
मुक्ति का मार्ग पूर्ण होकर के सिद्ध दशा प्रकट करने के लिए हमारा स्वरूप है, अतीन्द्रिय निराकुल सुख प्रकट करने के लिए हमारा स्वरूप है, तो उसकी सारी सामर्थ्य हमारे में है। इसलिए ये परोन्मुक्ता छोड़ने की प्रेरणा एक तरह से ये वीर्य शक्ति हमें देती है। ठीक है, हम तो हमारे में सामर्थ्य है तो हम उसका प्रयोग कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, जैसे पावर तो दे दिए लेकिन साथ में शर्त लगा दी, इसका उपयोग इस कंडीशन में कर सकते हो अन्यथा नहीं कर सकते हो। ऐसा वीर शक्ति तो है लेकिन प्रयोग नहीं कर सकते हो, तो अगली प्रभुत्व शक्ति क्या कहती देखें। अखंडित प्रताप स्वातंत्र्य शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति। अखंडित प्रताप स्वातंत्र्य शालित्व लक्षणा, स्वतंत्रता शालित्व शब्द जो आता है ना, शील शाली माने उस रूप होना, स्वभाव, स्वतंत्रता स्वभाव है, स्वतंत्रता स्वभाव है, स्वतंत्र, और साथ में अखंडित प्रताप है माने प्रताप भी, वीर्य शक्ति का प्रताप भी समझ लीजिए सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है। ये द्रव्य को अपने आप अपने सामर्थ्य का प्रयोग करने के लिए किसी दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं है, स्वयं में ही स्वयं की सामर्थ्य, उसके प्रयोग करने का प्रताप और उसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता, स्वातंत्र शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति। अब कितना प्रताप है, जैसे अभी शक्ति की तरफ से बात कर रहे थे, वीर्य की तरफ से बात कर रहे थे, लेकिन उस वीर्य का प्रयोग करने का प्रताप भी तो होना चाहिए। तो उसका प्रताप, उसका प्रयोग करने का प्रताप है और उसके लिए वह स्वयं स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे की तरफ देखने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। सारे लोकालोक को जानने की सामर्थ्य, तो सारा लोकालोक एक साथ जानने में आवे ऐसा प्रताप, और जब मैं सारे लोकालोक को जानूं तब मुझे किसी से पूछना नहीं है, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। तो एक तो अखंडित प्रताप, और भूतकाल में कभी खंडित हुआ नहीं है, भविष्य में कभी खंडित होने वाला नहीं है, इसलिए अखंडित प्रताप, निरंतर ऐसा प्रताप। शब्द दिया ना प्रभुत्व, लोक में प्रभु किसे कहते हैं, भगवान को कहते हैं ना, ये भगवान, ये प्रभु, और वो सब कर सक प्रभु लोक में भी। अभी अन्य लोग जो है परेशान हो जाते हैं, कुछ काम नहीं होता है, किसकी शरण में जाते हैं, प्रभु की शरण में जाते हैं। प्रभु ये कहने लगे कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए आप कैसे प्रभु हों। तो प्रभु क्यों है प्रभु, क्योंकि वह प्रभुता है उनकी, क्या प्रभुता है कि उनके पास कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है, नहीं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा कहा जाता है कि प्रभु उसे माना जाता है जिसका बहुत प्रताप है। प्रभावशाली राजा होते हैं ना, आगे विभू शक्ति की कल चर्चा करेंगे अपन, विभुत्व की ले लेते हैं साथ में, जोड़े हुआ इसके साथ ही प्रभुत्व शक्ति विभुत्व शक्ति, लीजिए उसको भी ले लीजिए साथ में। सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति, सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा, सारे भावों में व्याप्त होकर एक भाव रूप रहने वाली वह कौन सी है, विभुत्व शक्ति। सर्वभाव कौन से, सर्वभावों में व्यापक, सर्वभाव व्यापक, सर्वभाव कौन से, वैसे द्रव्य को भी भाव कहते हैं, गुण को भी भाव कहते हैं, पर्याय को भी भाव कहते हैं, हमारे जो मोह राग द्वेष के परिणाम चलते हैं, क्रोधादि, इनको भी भाव कहते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि शक्तियों का प्रकरण है, इसलिए कह रहे हैं कि भाव शब्द का अर्थ लेना शक्तियाँ, सर्वभाव सारी शक्तियों में व्यापक एक भाव रूप,
तो जो सारी शक्तियों में व्याप्त होकर के एक रूप रहने का सामर्थ्य है, एक रूप रहती है, वह विभुत्व शक्ति, विभु। लोक में जैसा भगवान वही मानते हैं ना, जिसको वो सारे लोक में व्याप्त है इसलिए विभु कहते हैं वह, और प्रभावशाली इसलिए प्रभु कहते हैं। वैभव की अपेक्षा से विभु कहा जाता है, कितना वैभव संपन्न है इसलिए विभु है। क्या वैभव है? बहुत वैभव है, और वो सारा वैभव उसका है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारा वैभव तो हो लेकिन जैसे राजा महाराजाओं का वैभव था, और जब उन सबका गवर्नमेंट ने ले लिया तो गवर्नमेंट ने लिया तो इसका इतना उपयोग कर सकते, इसका इतना उपयोग कर सकते हो, अब उनके प्रभाव में नहीं रहा वैभव नाम का उनका, लेकिन प्रभाव दूसरे के अधीन था। लेकिन यहाँ कहते प्रभुता भी हमारी और विभुता भी हमारी। विभुता क्या है कि सर्वभाव व्यापक अनंत शक्तियों में व्याप्त होकर के रहना। वैसे पहले ही जो ये बात कही गई, एक शक्ति का रूप सब शक्तियों में होता है, किस कारण से ही? ये इसी विभुत्व शक्ति के कारण से, क्योंकि एक शक्ति ऐसी है कि सर्व में व्यापने की शक्ति है। तो द्रव्य की शक्ति ऐसी है कि सर्व में व्याप करके और सबको एक रूप रखती है, और इसी शक्ति के कारण हम जो अखंड एक त्रिकाल एक रूप जो ध्रुव कहते हैं, अखंड जो कहते हैं, अनंत गुणों का अखंड पिंड, असंख्यात प्रदेशों का अभेद, ये इन सबको जो एक एक करने की सामर्थ्य है, ये विभुत्व शक्ति की है। वो विभू शक्ति के कारण से वो एक है, सर्वभाव व्यापक एक। तो ये इतना वैभव, और इस वैभव का मैं प्रयोग कर सकूं, इसका प्रयोग करने का मेरे पास प्रताप है। बहुत सारे हथियार सब रखे हुए हों, चलाना नहीं आते हो तो, चलाना नहीं आते हो तो क्या उपयोग है? लेकिन इतना प्रताप भी है, वो महाराणा प्रताप के वो तलवार, और वो देखोगे ना भाला, अब वो जो बख्तरबंद पहन करके जाता था, वो आज जाओगे तो हम उसको उठा नहीं पाएंगे, तो उठा ही नहीं सकेंगे तो चलाएंगे कैसे? तो इतना सब हो, चला नहीं पा रहा हो तो, यानी प्रताप भी था उनका इतना, और साथ में तुम्हारे पास है तो सही सेनापति राजा, अब सेना है, हथियार तो दे दिए, परंतु चला नहीं सकते हो। कब चला सकते हो? जब वो कहेंगे तो स्वतंत्र कहाँ हैं? हमारे पास जितने गुण है, जितनी शक्तियाँ हैं, जितना वैभव है, वीर्य शक्ति के कारण से समझ लो उसमें अपने आप में प्रताप है, सामर्थ्य है, और उसका प्रयोग अपने में करने, दूसरे में तो होता ही नहीं, वैसे ही नहीं चलता है, पर में चलता ही नहीं है, और अपने आप उसका प्रयोग हो, उसके लिए प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य की बात है, वैसे स्वतंत्र है अपने आप में, और इसलिए वह प्रभु है। ये प्रभुता है, प्रत्येक द्रव्य की प्रभुत्व शक्ति है, और अनंत धर्मों अनंत गुणों में एक साथ व्याप्त होकर के रहना, ये इसकी विभुत्व शक्ति है। ये वैभववान, अनंत वैभववान, अनंत गुणों के कारण से इन सब में व्याप्त होकर के उन सबको एक रखने की सामर्थ्य उसमें है। विभुत्व शक्ति और इसकी चर्चा करते हुए जो अंतिम पंक्ति दी है उसको पढ़ते हुए अपन आज की चर्चा पूरी करते हैं। प्रभुत्व शक्ति में तो इतनी चर्ची प्रभावशाली है, और विभुत्व शक्ति के कारण वैभववान है, ऐसा हम कह सकते हैं। और जो वीर शक्ति तक आते आते अनंत चतुष्टय की चर्चा पूरी हुई, और अनंत चतुष्टय जिन्हें प्रकट होते हैं, ऐसे अनंत भगवान प्रभु है, विभु है, उनके लिए हम प्रयोग करते हैं ना, तो प्रकट पर्याय में प्रभु हुए, प्रकट पर्याय में विभु हुए, हम स्वभाव से हम भी प्रभु हैं, हम भी अपने अनंत गुण अनंत धर्म इसको प्राप्त, इसका प्रताप, अखंडित प्रताप, स्वातंत्र शालित्व लक्षण वाले हम स्वयं अपने आप में प्रभु है, अपने अनंत गुणों का वैभव हमारे पास है,
और उस वैभव में व्याप्त होकर एक रूप रहने का सामर्थ्य हमारा है, हम उसके एक छत्र अधिकारी है, अधिपति है, इसलिए हम ही स्वयं अपने आप में विभू है। 580 पेज पर तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी विद्यमान है जो स्वयं तो सभी भावों में व्याप्त है ही, साथ में इसका रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियां भी एक दूसरे में व्याप्त हैं। तो पहला जो एक शक्ति का रूप सब में है ये जो कहा गया, वो समझ लो इस विभुत्व शक्ति के कारण से ही, और सारी शक्तियां तो एक दूसरे में चले जाने से खिचड़ी नहीं हो जाती है, तो उन सब को एक बना करके रखने का सामर्थ्य जो है विभुत्व शक्ति का है। शक्तियों के परस्पर भिन्न होने पर भी इस शक्ति के कारण वे शक्तियां परस्पर एक दूसरे में व्याप्त है, इसी कारण ये भगवान आत्मा अखंड है, अविभक्त है, एक है। अब प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति दोनों एक साथ ली है ना, इनकी क्या विशेषता? इस प्रकार नहीं, प्रभुत्व शक्ति एक वाक्य दिया हुआ था इसमें, पर एक जो है अपने आप में रखती है और एक दूसरे से भिन्न करती है। प्रभुत्व और विभुत्व दूसरे की आवश्यकता नहीं है, जिसमें हाँ देखिए इसमें अनुशीलन में है, इसमें नहीं वाक्य आया, वो अनुशीलन में है, मैं पढ़ता हूँ। मैं अपने अनंत गुणों में व्याप्त हूँ इसलिए विभू हूँ, और मेरे में अन्य किसी का प्रवेश नहीं है, मुझ में मेरा प्रभाव है, प्रताप है, इस कारण मैं प्रभु हूँ। मैं मुझ में व्याप्त हूँ इसलिए विभू हूँ, और दूसरे का मुझ में प्रवेश नहीं है इसलिए मैं प्रभु हूँ। दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जरूरत नहीं है, अखंडित प्रताप वाला अपने आप में हूँ, इसलिए मैं स्वयं ही प्रभु हूँ और मैं स्वयं ही विभू हूँ। ऐसी प्रभुता, ऐसी विभूता कहाँ दिखाई देती है? दिख रही है ऐसी प्रभुता, ऐसी विभूता? नहीं दिख रही है, तो कल दिखेगी। सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व, कैसी शक्ति है, कैसा सामर्थ्य है, कितना प्रताप है, और उसका प्रयोग करने का सामर्थ्य भी कितना है। तो सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, ऐसी और विशेष शक्तियाँ, उनकी चर्चा अपन क्रमशः आगे करें। सहजानंद।